आखिर क्या वजह है कि जो भारतीय जनता पार्टी देश के अधिकांश राज्यों में बहुमत होने ही होने के बावजूद किसी भी तरह से बहुमत जुटाकर अपनी सरकार बना लेती थी, उसे महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए पसीना आ रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि शिवसेना की नई रणनीति जो बनी है उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैरान हैं कि आखिर शिवसेना को क्या हो गया है। जो शिवसेना उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ती आई है, हर बात पर समझौता करती आई है, आखिर इस बार उसे क्या हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भी शिवसेना के सामने पूरी तरह से फेल हो गए हैं। उनका कोई फार्मूला यहाँ पर काम करता नहीं दिख रहा है और अब तो संभावना यह भी लग रही है कि महाराष्ट्र में भाजपा विहीन सरकार बन जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर यह मानकर चला जाना चाहिए कि देश में शिवसेना के बहाने एक नई राजनीतिक शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को अभी तक हर राज्य में अजेय माना जाता रहा है और अब उसके ही किले में बहुत बड़ी सेंध शिवसेना के माध्यम से लग गई है। गोवा से लेकर अन्य प्रदेशों तक और अन्य राज्यों में भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने येन केन प्रकार ने अपनी सरकार बनाई है, उससे यह मानकर चला जा रहा था कि भाजपा के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन किसे पता था कि इस असंभव शब्द को भाजपा की सबसे विश्वस्त और सहयोगी पार्टी शिवसेना ही गलत साबित कर देगी। शिवसेना आखिर किस बात का बदला भारतीय जनता पार्टी से ले रही है, इसे समझने के लिए पूरे देश के राजनीतिक विचारक विचार कर रहे हैं और हैरान भी हैं कि आखिर शिवसेना इतना कड़क और अड़ियल रवैया क्यों अपना रही है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह धमकी दी थी कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे, तो फिर शिवसेना की ओर से जो जवाब आया वह चौंकाने वाला था। इस बयान के बाद यह जाहिर हो गया था कि शिवसेना किसी भी कीमत पर अब भाजपा के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, जब तक कि शिवसेना की शर्त को भारतीय जनता पार्टी मान नहीं लेती। इधर भारतीय जनता पार्टी भी ढाई ढाई साल के फार्मूले पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब इसका नतीजा यह है कि शरद पवार की कांग्रेस और सोनिया गांधी की कांग्रेस दोनों ही मोर्चे पर डट गई है कि क्या यह संभव है कि इन दोनों पार्टियों के सहयोग से शिवसेना सरकार बना ले और मुख्यमंत्री शिवसेना का बन जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी हानि तो होगी ही, आने वाले समय के लिए भी एक चुनौती होगी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के दाव पेच अपना कर सत्ता पाती रही है, अब वैसे ही दाव उसके साथ दूसरी पार्टियों ने भी शुरू कर दिए हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।